आपके साथ आज के दोस्तों मैपिंग हमारी यहां पर पहला टॉपिक है दोस्तों दुर्जाबाह पाइपलाइन। जी हां, दुर्जाबाह पाइपलाइन की बात करें, एक पाइपलाइन का नाम है दोस्तों, एक पाइपलाइन है फ्रेंडशिप पाइपलाइन दोस्तों, फ्रेंडशिप पाइपलाइन, और एक पाइपलाइन है कॉमिकॉन पाइपलाइन, कॉमिकॉन पाइपलाइन तेल पाइपलाइन दोस्तों। तीनों तेल पाइपलाइन है और तीनों का मालिक एक है, तीनों एक ही पाइपलाइन है दोस्तों, और इन सबका मालिक एक कौन, रशिया। जी हां, ये तीनों रशियन पाइपलाइन है दोस्तों, एक ही पाइपलाइन, तीन नाम है उसके। और ये पाइपलाइन दोस्तों ना वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ऑयल पाइपलाइन में से है। जी हां, विश्व की, दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन में से एक है दोस्तों। ये रूस से जाती है, इसकी ब्रांचेस है कहीं यूरोप तक तेल पहुंचाती है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल नेटवर्क बनाती है पाइपलाइन ये, तो रशियन पाइपलाइन, फ्रेंडशिप पाइपलाइन, कॉमिकॉन पाइपलाइन या दुर्जुबा पाइपलाइन को भी कह लीजिए, बात एक ही इसका मतलब सर यहां पर। ओके, अभी न्यूज क्या ये सुनिएगा, रशिया ने दोस्तों क्या किया है, रशिया ने यूक्रेन के आरोप लगाए एक प्रकार से, यूक्रेन के ड्रोन ने अटैक किस पर किया है, उसकी इसी ऑयल पाइपलाइन पर अटैक किया है, रशिया का ही आरोप है। ठीक है सर, तो रूस का आरोप है कि ये पाइपलाइन है, यूक्रेन के ड्रोन आए और पाइपलाइन पर अटैक किया उन्होंने। ठीक है, अब आइए दोस्तों बात करें पाइपलाइन का नेटवर्क समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग नेटवर्क है पाइपलाइन का। ये आ रही है दोस्तों आपके रशिया से पाइपलाइन, दुर्जुबा पाइपलाइन आ रही है, इसकी कई ब्रांचेस हैं, एक ब्रांचेस बेलारूस से जाती है दोस्तों पोलैंड होते हुए जर्मनी तक, एक इसकी ब्रांच दोस्तों आती है यूक्रेन से होते हुए, ये जा रही है दोस्तों आपकी सदर्न यूक्रेन से होते हुए स्लोवाकिया, हंगरी और पहुंच रही है दोस्तों आने चेक तक, यानी कि ये यूरोप को जोड़ती है बेलारूस, रूस होते हुए बेलारूस, यूक्रेन होते हुए रशिया से, यानी इधर रशिया है दोस्तों, दो ब्रांच है, एक बेलारूस में इसकी और एक यूक्रेन से इसकी, और दोनों जा रही है यूरोप के अन्य देशों में, ये जा रही है चेक तक और ये जा रही है जर्मनी तक। यानी ये पाइपलाइन सोचिएगा, वॉर चलते हुए लगभग 1.5 साल हो गया, ये पाइपलाइन अभी भी ऑपरेट कर रही है, ये पाइपलाइन अभी भी चल रही है, यहां से तेल सप्लाई होता है, रशिया तेल बेचता है इन देशों को, और ये बीच के देश जो हैं ये ट्रांजिशन फीस लेते हैं, कमीशन लेते हैं अपने यहां से गैस गुजरने देने का। ये गंदा राजनीति अभी भी जारी है, कह रहे हैं लड़ रहे हैं दुनिया में, लड़ाई हो रही है दुनिया में 1.5 साल से, दिखा रहे हैं हम लड़ रहे हैं, लेकिन यहां हो कह रहा है यूक्रेन रशिया से पैसा लेता है कि आपका तेल गुजरता है, लाइए ट्रांजिशन फीस दीजिए। इसी का नाम है दोस्तों फ्रेंडशिप पाइपलाइन या दुर्जा पाइपलाइन। फाइनली यूक्रेन ने अटैक किया है इसके ऊपर दोस्तों, यूक्रेन अटैक किया है, क्यों किया वो जान लेते हैं ऑनलाइन में, यूक्रेन ने इस पाइपलाइन पे क्यों अटैक किया है दोस्तों सुनिएगा। यूक्रेन का मानना है कि ये जो पाइपलाइन है दोस्तों रशिया से आती है, एक तो जाती है बेलारूस की तरफ और वहां से जा रही है जर्मनी को, ठीक है, इसका एक पार्ट यूक्रेन आता है और यहां से जाता है ये हंगरी को, हंगरी को जाता है दोस्तों, और ऐसा माना गया है कि हंगरी रूस का समर्थक एक प्रकार से वॉर में, कहीं ना कहीं वो यूरोपियन देशों को मना कर रहा है कि यूक्रेन को हथियार मत दीजिए, यूक्रेन को पैसा मत दीजिए, कुल मिला के हंगरी रूस समर्थित दिख रहा है वॉर में, इसीलिए यूक्रेन अटैक किया पाइपलाइन के ऊपर, हंगरी तक तेल नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, हंगरी तक तेल नहीं पहुंचेगा, हंगरी की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, ये मानना है, और इसलिए अटैक किया गया दोस्तों यहां पर ये। तो सदर्न ब्रांच ऑफ दुर्जुबा पाइपलाइन, याद रखें दोस्तों दुर्जुबा पाइपलाइन यूक्रेन से गुजरती है, यहां से तेल पहुंचता है हंगरी में, स्लोवाकिया में, अल्टीमेटली चेक तक पहुंचता है तेल। इस पाइपलाइन पर हमला किया गया, ये सदर्न वाले पॉइंट पे दो ब्रांच है ना, बेलारूस से जाती है, यूक्रेन से जाती है, तो जो यूक्रेन से जा रही है ब्रांच उस पर अटैक किया गया दोस्तों यहां पर, रशिया में घुसकर अटैक किया गया इसके ऊपर, जिससे निश्चित तौर पर यूक्रेन मना कर रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन लगातार अटैक हो रहा है इस पाइपलाइन के ऊपर। जी दोस्तों, क्लियर है हमको यहां पर, ये पाइपलाइन का नाम याद रखेंगे, दुर्जुबा पाइपलाइन, फ्रेंडशिप पाइपलाइन या कॉमिकॉन पाइपलाइन, ये सभी जो पहले जो कम्युनिस्ट कंट्री थे ना वॉर्सोवा पैक्ट के, उनके समय की बनाई गई है। रूस ने कहा था सभी कम्युनिस्ट कंट्रीज को, जो अपने साम्यवादी देश थे उसके, वॉर्सोवा पैक्ट के देश थे, नाटो के अगेंस्ट थे जो देश, उनको रूस पाइपलाइन से तेल भेजता था, तब से बनी हुई है, तब से इसका नाम है फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो अब उस पर अटैक हो रहा है दोस्तों, अब रशिया की नर्स पर अटैक किया जा रहा है। मैं ला रहा हूं आपके लिए मिशन एनसीईआरटी, पूरी टीम ला रही है मिशन एनसीईआरटी। क्या है दोस्तों मिशन एनसीईआरटी, इसके बारे में रिवील करेंगे हम बहुत जल्दी, आपको एक वीडियो में पहुंचाया जाएगा आप तक पूरा वीडियो, मिशन एनसीईआरटी क्या है, क्या क्या करने वाले हैं उसमें हम लोग, कौन क्या करने वाला है, टाइमिंग्स क्या होंगे, बड़ा ही शानदार लॉन्च होने वाला है दोस्तों, तो उसके लिए जरूरी है बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मुझे फॉलो नहीं करते हैं टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम फॉलो करना चालू कर दीजिए, पीडीएफ क्लास के लिंक, चैट बॉक्स, सब कुछ आपके लिए वहां पर दोस्तों।